तो दोस्तों ये देखो बहुत ज्यादा जो है ना चौंक रहा भाई, ये दाने की वजह से रुक रहा है हमारी छत पे। जैसे अगर हमने दाना डालना बंद कर दिया ना ये फौरन भाग जाएगा, क्योंकि कबूतर जो है ना बहुत ज्यादा फुर्तीला लग रहा है मेरे को। ये देखो भाई अभी देखना, अगर अमन दाना नहीं डालेगा ना तो ऊपर चढ़ के बैठ जाएगा, ये भागने की कोशिश करेगा ये। और जैसे अमन आया ना फौरन ऊपर वहां पर चढ़ गया भाई डर के मारे, ये देखो फिर चढ़ गया यहाँ पर ये। तो दोस्तों अभी अभी जो है ना अमन नीचे से पानी लेकर आया, मतलब मैंने ला के दिया ऐसे पानी वैसे तो, बाकी देखो यहाँ पर इसके सामने हमने पानी रख दिया है और देखो ये आ गया पानी पे। अमन यही मौका है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमानी अनबर्ड व्लॉग में। दोस्तों फिर से आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तो दोस्तों अभी जो ना सुबह का टाइम हो रहा, हमने जो ना अपने कबूतर को थोड़ी देर पहले ही खोला था लेकिन जो ना वीडियो नहीं बना पाए थे। तो ये देखो मैं आ गया हूँ छत पे, बाकी देखो अपने यहाँ पर सारे कबूतर खुले हैं ये रे। दोस्तों हमने जो ना यहाँ पर अपना नया वाला कबूतर भी जो ना बाहर निकाल रखा है, ये देखो अपने सारे कबूतरों के साथ है, जितने भी अपने पुराने कबूतर हैं यहाँ पर। दोस्तों ठंड भी जो है स्टार्ट हो गई है, इस वजह से मैंने सोचा आज अपने सारे कबूतरों को धूप में जो है खोल देते हैं और इनकी थोड़ी बात भाई वीडियो भी बना लेते हैं। तो सामने जो भाई अपने कबूतर ने अंडे रख रखे हैं, मतलब इसके नीचे जो ना मैंने दो अंडे लाकर रखे हैं, इसके अंडे तो मैंने हटाई दिए थे क्योंकि इनने फोड़ दिए थे, और यहाँ पर अमान ने कुंडी रखी थी। तो देखते हैं सामने जाकर के भाई इनने अपने अंडों को अच्छे से भाई सेफ करके रख रखा है या नहीं रख रखा, ठीक है ना। तो चलते हैं उसके पास, इन्हें जो ना सबको ऊपर कर देते हैं। ये देखो भाई सारे एकदम मस्त बैठे हैं और सारे अपने परम कबूतर हैं यहाँ पर। ये देखो भाई, ये रे देखो माशाल्लाह से कबूतर भी जो है ना ज्यादा कर लिया हमने, और वो तो देखो उड़ गए दोनों के दोनों, वो चले गए देखो। और ये अपनी वही वाली फीमेल है जो भाई दो दिन बाद भाग कर आई थी, ये उड़ गई यार, क्यों उड़ा दिया ऐसे। ये देखो ये उड़ रही, और बाकी देखो ये भी आ गया, ये भी आई जाएगी, कहीं जाएगी नहीं। तो ये देखो ये आकर बैठ गई है सामने, इसकी जो है ना अभी बहुत पर कम है जो है ना, इसलिए वजह से जो है ना। तो दोस्तों देखो ये आकर बैठ गई सामने हमारी छत के बिल्कुल सामने है, इसकी जो है ना बेचारी के भी बहुत ज्यादा पर कम है, इस वजह से इससे उड़ा नहीं जा रहा बिल्कुल भी, इसलिए इधर बैठ गई है, नहीं तो भाई कहीं बैठती नहीं है वैसे ही। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इतने सारे कबूतर हमने बाहर निकाल रखे हैं लेकिन इनमें कुछ कबूतर भी हमारे परंद है जिन्हें हमने बाहर नहीं निकाल रखा। तो भाई कल कुछ ऐसा हुआ था भाई, ये कबूतर जो है ना सुबह के टाइम 10 बजे के टाइम उड़े थे और शाम के टाइम जो है ना भाई हमें 4 बजे के बाद दिखे हैं चारों के चारों। ये देखो बजे उतरी है और 5:30 बजे भाई ये वाली उतरी हमारा, लेकिन ना रही है 4 बजे कुछ, और बाकी भाई 4 बजे पता है टाइम 4:10 हो रहे थे। हाँ, और ये तीनों जो है ना सेम टाइम पे उतरे थे, बहुत ऊपर जाकर लग गए थे भाई, मुझे तो लगा आएंगे नहीं लेकिन भाई ये शाम के टाइम आए और हमें शाम के टाइम दिखेंगे। बाकी तो सबसे जो है ना लास्ट जो उतरा है ना ये है अपना। और दोस्तों इसी वजह से जो है ना हमने यहाँ पर देखो इनका स्पेशली यहाँ पर देखो पानी भी रख रखा है और यहाँ पर दाना भी रख रखा है। ये देखो भाई क्योंकि जो ना बहुत ज्यादा हल्के हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि भाई इनको हम जान पूछ कर उड़ा रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था भाई। कल मौसम भी इतना प्यारा था ना, एकदम ठंडा इनके लिए, तो भाई ऊपर लगे हुए थे। बाकी ये दोनों भी पर ला रहे हैं ये। ये देखो इनको मैंने बाहर नहीं निकाल रखा, कभी ने बिल्ली ले जाए अपने शहजादे के बच्चे की तरह। तो सबसे पहले जो है ना इसके अंडे चेक कर लेते हैं। मैंने देखो ताला खोल लिया और पूरे इस केज में जो ना सिर्फ ये अकेला भाई यहाँ पर अंडों पे बैठा है, और बाकी जो नर है ना ये भी जो ना यहाँ पर रहता है, लेकिन इसको मैंने यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर दिया क्योंकि अपने सारे कबूतर खुले हुए हैं, उसके भी पर दे दिया और उसके पर भी दे दिया। और बाकी देखो भाई ये बैठा हुआ अंडे पे, और इसको छोड़ियो मत, बाहर मत छोड़ियो। तो सबसे पहले दोस्तों इसके जो ना मंडी चेक कर लेते हैं। पहले तू मेरे को वो दिखा जो अंडा फूटा हुआ था, ये तो बिल्कुल साफ होता है भाई, इसको कुछ नहीं हुआ। इस वाले को दिखा, इस वाले को, ये अंडा चटक रहा था ना, ये देखो दोस्तों ये अंडा इनने जो ना जान दोस्तों कमेंट में बताना कि इसमें से बच्चा निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्योंकि देखो थोड़ा सा फूट चुका है और बाकी इतनी नॉलेज है नहीं, बाकी आप लोग बता देना। वैसे मेरे को लग रहा है मन निकल जाएगा, है ना। हाँ चल छोड़ देते हैं, बाकी इसको वहीं पर ही बैठा दे यार, रहने दे। और अपने नीचे वाले कबूतरों का भी देख लेते हैं अभी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो काफी टाइम हो गया। तो दोस्तों नीचे चलते हैं, बाकी इसको जो है ना इसके हाल पे छोड़ देते हैं। अभी मेरे को भी लग रहा है ऐसा कि इन दोनों अंडों में से जो है ना पक्का बच्चे निकल जाएंगे, क्योंकि जो है ना भाई इनने अभी तक वैसा का वैसा ही अंडा ज्यादा फूटा भी नहीं है। मतलब मेरे को लग रहा था कि ये अंडा जो है ना बहुत ज्यादा फूट जाएगा क्योंकि इनने वैसे भी थोड़ा बहुत चटका ही दिया था यार, और कुछ पता नहीं निकल जाए। तो बाकी हट जाते हैं हम, ये देखो ये बैठ गया यहाँ पर, और इसकी फीमेल जो है ना बाहर है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ का जो है ना हम ताला खोल लेते हैं। ये देखो भाई अमान खोल रहा है यहाँ का ताला, और अंदर जाकर देखते हैं भाई, काफी टाइम हो चुका है अंडे रखे हुए, तो भाई कुछ तो फर्क पड़ रहा होगा अंडों पे। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं भाई। देखो भाई ये अपने कबूतर बैठे हुए हैं अंडों पे यहाँ पर। तो दोस्तों ये देखो ये अपना सबसे पहले नर बैठा हुआ, और सबसे पहले इसी की फीमेल ने जो ना यहाँ पर अंडे रखे थे, तो इसको जो ना थोड़ा सा पहले साइड से उठा लेते हैं। ये देखो इसको मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ, और अब जो है इसके यहाँ पर मैं अंडे चेक करता हूँ। ये सबसे पहले ये अंडा मैंने हाथ में ले लिया। ओ भाई साहब पूरा पूरा बच्चा भाई इसके अंदर से जो ना हिल रहा है, चोंच मार रहा, बाहर निकल रहा है। ये देखो हाँ भाई निकलने वाला, और देखो चटक भी रहा अंडा येरा। ये देखो इसमें से जो ना बच्चा निकलने वाला। तो दोस्तों इसको जो ना मैं शाम के टाइम आकर चेक करूंगा, सबसे पहले मैं ये वाला भी देख लेता हूँ अंडा। ये देखो भाई ये भी चटक रहा हल्का सा, देखो इस साइड से देखो ये रहा, दोनों चटक रहे हैं, दोनों ही एक साथ निकलेंगे मेरे को तो ऐसा लग रहा है भाई। तो दोस्तों इन दोनों अंडों को जो है ना मैं शाम के टाइम आकर चेक करूंगा वीडियो के साथ, और इसको जो है ना भाई वापसी छोड़ देते हैं यहाँ पर, क्योंकि भाई बच्चे निकलने वाले हैं, दोनों को एक ही साथ छोड़ देते हैं। ये देखो ये आ गए इसकी फीमेल, और ये रहा अपना पूरा पेयर, इन दोनों के निकलेंगे भाई बच्चे। ये देखो ये रहे। और दोस्तों इसको तो कुछ ही दिन हुए भी अंडे दिए हुए इस वाली फीमेल को अपनी, तो मेरे को लगता नहीं है कि इतनी जल्दी इसके बच्चे निकलेंगे, उनके तो भाई निकलने वाले हैं। बाकी ये देखो अंडों पे बैठा हुआ ये रहा, ये देखो ये रहे इसके नीचे दोनों अंडे। तो बाकी मैं इसे उठाऊंगा नहीं, तंग नहीं करूंगा, क्योंकि अभी इसको टाइम नहीं हुआ है, बाद में चेक करेंगे। जैसे कि मैंने इसके अंडों को चेक करा कम से कम 14 से 15 दिन के बाद। और ये है भाई अपनी वही वाली फीमेल, जीदी फीमेल, और इसने जो ना भाई उसी फीमेल के साथ रखा था अंडा, मतलब आगे पीछे बस एक दो दिन इनने सबसे पहले रखा था।
तो इसके चेक कर लेते हैं सबसे पहले। ये देखो नर बैठा हुआ एंडो पे, इसको हल्का सा मैं थोड़ा सा साइड पे से उठा लेता हूँ और इन दोनों को बाहर ही छोड़ देता हूँ। अगर इन्होंने देख लिया ना भाई हमारे एंडो के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी। देखो ये है अपना मेल नर और ये रही है भाई अपनी फीमेल, देखो ये रही। तो दोनों एंडो को जो है मैं हाथ में ले लेता हूँ बिल्कुल आराम से, बिल्कुल नाजुक तरीके से। बाकी देखता हूँ भाई कोई अंडा चटक रहा नहीं चटक रहा। पहले इस अंडे को इधर कर लेता हूँ। ये देखो भाई वैसे तो मेरे को भी भाई कुछ दिखाई दे नहीं रहा, वैसे इसके अंदर जो ना पक्का बच्चा है भाई। ये देखो पूरा भारी हुआ पड़ा अंडा, लेकिन इसके अंदर जो ना भी इनने अंडा चटका नहीं है, मतलब अलग ही उनका तो पता लग रहा है लेकिन इन दोनों का भी पता नहीं लग रहा। बाकी तो इन दोनों ने आगे पीछे ही दिया एक दो दिन। ये देखो ये रहा। तो अभी कोई हलचल नहीं है भाई अंडों के अंदर, मेरे को लगा कोई हलचल होगी ये अंडा चटक रहा होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों इन दोनों को जो ना छोड़ ही देते हैं। ये देखो चलो भाई जल्दी जाओ फटाफट अपने अंडों को भाई जाकर आराम से बैठ लो। ये देखो नर चला गया अंदर और अब जो है ना इसकी फीमेल भी पकड़ लेता हूँ मैं भाई, तू भी जा। और ये जो लाल वाली फीमेल है ना इसने भी जो ना अपनी ब्लैक फीमेल के साथ ही साथ रखे हैं अंडे, तो इन दोनों को तो भाई हम छेड़ेंगे नहीं। बाकी भाई जल्दी से बस ये अंडे रख दे और ये रख दे भाई, बाकी तो इन दोनों को मैंने साथ में बनकर रखा। ये तो भाई पैर लगाते नहीं है जैसे कि आपको पता है, ये इन दोनों के निकल जाए जल्दी से भाई बच्चे दोबारा से, क्योंकि इनके जब भी निकले हैं ना तो मर गए इस जोड़ के खास तौर से। इसके तो माशाल्लाह से 8 बच्चे हैं हमारे पास और जिसमें से 2 मर गए, 6 अभी भी है माशाल्लाह से और एक बच्चे जो है इसका बीमार चल रहा है। बाकी देखो ये है अपना पेयर, सब में ज्यादा जो ब्रीडिंग करवाई है ना इसी ने करवाई है। और दूसरे नंबर पे यह है भाई अभी तक इसके जो है ना 4 बच्चे मिले और 4 जो है ना मर गए। तो दोस्तों अब जो है ना नीचे चलते हैं, शाम के टाइम आएंगे और उन दोनों के अंडे चेक करेंगे, उनके अंदर से बच्चे निकलने वाले हैं, क्या पता भाई शाम तक जो है ना उनके हमें बच्चे देखने के लिए मिल जाए। तो चलते हैं नीचे, शाम के टाइम मिलते हैं आप लोगों से। तो दोस्तों शाम का वक्त हो गया, मैं आ चुका हूँ अपनी छत पे और अभी अभी जो है ना ऊपर अमान बता रहा है कि एक सिराजी कबूतर आके बैठा है, तो चलते हैं ऊपर देखते हैं भाई कैसा कबूतर है। नहीं परी बैठा है, थोड़ा पीछे की साइड बैठा है, आराम से आ रहा हूँ मैं। वैसे बताना कहाँ पर है ये बैठा हुआ, दिखा। ओ ये रहे रहा भाई कितना प्यारा, दोस्तों बैक कैमरे से दिखाता हूँ मैं अभी आप लोगों को। तो ये देखो अभी अमान ने जो है ना अपने सारे कबूतर निकाल दिए बाहर और देखो ये बैठा हुआ ये रहा। तो हम जो है ना जैसे कि आपको पता था अपने आधे से ज्यादा जो है ना कबूतर खोल कर गए हुए थे, तो ये देखो भाई ये आकर बैठा हुआ लाट साहब, पता नहीं किसका है और बड़ा ही प्यारा कबूतर है भाई। ये देखो ये चुक रहा है इस साइड पे, ये रहा कितना प्यारा लग रहा है यार। तो अमान ये आया कहाँ से आ रही है ये तो बता दे। उड़ा देते शाम के वक्त बताया, हाँ उड़ा देते हैं। वैसे मैंने उड़ा, जैसी मैंने उड़ा पीछे से कबूतरों में लग गया, मुझे लगा कबूतर खुले में एकदम आकर बैठा हुआ है। नहीं भाई सीधा कबूतर मोड़ कर आया। अच्छा तूने उड़ाए थे पहले? ओहो भाई साहब बड़ा प्यारा कबूतर है यार ये तो, तूने मतलब मुझे बताया नहीं तो ऊपर आ गया यार अमान अकेले। ये तो अंदर जा रहा दरबे में, अंदर जा रहा अमान, अंदर जा रहा है। उधर ही डाल, उधर ही डाल दाना, डाल उधर ही डाल। भूखा लग रहा है मेरे को ये बहुत ज्यादा। बंद कर बंद कर बंद कर, जल्दी 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 यार अमान में वीडियो की बातों में लग गया, जल्दी जा फटाफट फटाफट जा जा जा। अबे यार अमान नहीं 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 रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। अबे यार अमान इतना अच्छा मौका यार, सबर कर ले भाग जाएगा फिर। तो अगर चाहता ना आराम से गेट बंद कर देता अमान, पूरा अंदर चला गया। अगर मैं होता ना पूरा गेट बंद कर देता यार। एक बार और मारो दाना, जल्दी मारो साइड पे दाना। अब नहीं जाएगा, अभी से पता लग गया मुझे, पकड़ेंगे पक्का भाई, नहीं जाएगा ये बड़ा चला के, अब नहीं जाने का ये। बाकी देखो अपने सारे कबूतर अंदर जा रहे हैं, अब ये नहीं जा रहा है। एक मौका दिया इनने और जो की छोड़ दिया भाई अमान ने, एक ही मौका देता है कबूतर। तो दोस्तों ये देखो बहुत ज्यादा जो है ना चौंक रहा भाई, ये दाने की वजह से रुक रहा है हमारी छत पे, जैसे अगर हमने दाना डालना बंद कर दिया ना ये फौरन भाग जाएगा। तो दोस्तों अभी जो ना कुंडी के अंदर पानी भी नहीं है, अमान पानी वानी डाल के देख ले क्या पता पानी पा जाए। हाँ पानी वानी का देख ले भाई, क्योंकि दाने पे तो बस चुके जा रहा चुके जा रहा, अभी मैंने इसे देखा पानी की कोशिश कर रहा था पानी पीने की, और थोड़ी देर पहले तो भाई हम आए छत पे इस वजह से जो ना पानी भी नहीं रख पाया हम कबूतर को। नहीं नहीं उड़ा उड़ा रहते रहते पीछे, चला के दिखा रहा अभी, चला के दिखा रहा, रुक जा उठा उठा कुंडी उठा ले प्यार से, पहले साइड में जा और कुंडी उठा ले, फिर इसमें जो ना पानी ले ले जल्दी से फटाफट। रुक जा आराम से भाई आराम से, एक काम कर पकड़ ही ले पास में आ गया। तो दोस्तों देखो कितनी ज्यादा पास आ गया और अमान जो है इसे पकड़ने की बस कोशिश कर ही रहा है। देखो देखो फिर दूर हट गया भाई, इसे पता है कि मेरे को जो ना पकड़ेंगे इसलिए जो ना पास नहीं आ रहा। जैसे अमान दाना फेंक रहा है ना फौरन भाई उठ उठ के देख रहा है। नहीं 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 रुक जा रुक जा, अभी दोबारा डाल दाना डाल, दोबारा चौंक गया वो। हाँ पानी ले ले पहले मेरे भाई, पानी ले ले, सही कर रहा तू एकदम। तो दोस्तों अभी अभी जो है ना अमान नीचे से पानी लेकर आया, मतलब मैंने ला के दिया इसे पानी वैसे तो। बाकी देखो यहाँ पर इसके सामने हमने पानी रख दिया और देखो ये आ गया पानी पे। अमान यही मौका है, अमान यही मौका पकड़ लिया भाई इतनी आसानी से। वाह भाई वाह, ये लो भाई ने पकड़ भी लिया। तो माशाल्लाह से ये देखो भाई ने पकड़ लिया भाई, बड़ी खुशी हो रही है भाई। लेकिन इतनी आसानी से भाई, इनके अंदर यही तो होता है ये डरते नहीं है, ये वाले कबूतर ऐसा है ना कमजोर हो रहा है क्या भाई ये भी भाई। इसे छोड़ वहाँ पर, छोड़ वहाँ छोड़ के दिखाते हैं। तो दोस्तों ये कबूतर जो है ना ज्यादातर जो है ना हमसे डरते नहीं है, पहले पकड़ लेता। ये देखो ये छोड़ दिया हमने यहाँ पर और देखो भाई कितना ज्यादा प्यारा ही लग रहा है भाई, ये देख रहे हो माशाल्लाह से भाई कितना प्यारा है। तो दोस्तों आप लोगों को तो पता ही होगा इसके जैसा सेम टू सेम अपने यहाँ पर जो है ना हम एक सिराजी कबूतर खरीद कर लाए थे, लेकिन भाई उसके साथ भाई बस क्या ही बताऊँ मैं, उसके पैरों में इतने प्यारे बाल थे, लेकिन भाई जिनसे मैं खरीद कर लाया था ना उन्होंने वो पकड़ा था। अब जब उन्होंने भाई वो पकड़ के हमें दे दिया तो भाई वो भाई हमारी वीडियो देखते हैं जिनका वो था, तो इस वजह से जो ना भाई उनको हमें वापसी करना पड़ा। और बाकी देखो उसकी तरह ये सेम, लेकिन इसके पैरों में जो ना बाल नहीं है बिल्कुल भी, और वैसे तो बड़ा प्यारा लग रहा है मेरे को ये देखो। बाकी दोस्तों अभी थोड़ी बहुत देर बाद जो ना इसके परवर बांध के इसको बाहर ही छोड़ेंगे हम अपने कबूतरों के साथ, वहाँ पर जो ना दाना वाना भी खा लेगा, बाकी इसको भी यहीं रहने देते हैं। और ये पता नहीं यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको मैं छोड़ो भाई, रुक जा तू मत निकल जी बाहर, इसको मैं निकाल रहा हूँ बाहर। निकल के यार
क्या कर रहा है, भाग जाएगा। बच गया भाई, मेरे सिर पे से ही चला जाता बिल्कुल अभी है। भाई तुझे जाने दूंगा मैं, ये देखो ये छोड़ रखा है मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर लगा देते हैं गेट, ये देखो ये लगा दिया। तो दोस्तों ये देखो बाकी हमने यहाँ पर जो है ना अपने सारे कबूतरों को निकाल रखा है बाहर, सब देखो दाना वाना डाल लिया। और अभी जो ना सामने हमारा एक कबूतर अभी बंद है, और उसको भी जो ना बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि वो जो ना अंडे पे बैठा हुआ है। तो चलते हैं भाई, इसको भी जो ना बाहर निकाल लेते हैं जो यहाँ पर हमारा अंडों पे बैठा हुआ है। भाई ये सुबह से बैठा हुआ है, बाकी मैंने इसको जानबूझ के बाहर नहीं निकाला था क्योंकि जो ना भाई फिर ये अंडे सेकना छोड़ देता है। इसकी फीमेल तो बाहर है बस, यही पर यही मतलब यहाँ पर बंद है अभी। दोस्तों चलो इसको जो ना बाहर निकाल लेते हैं। अब ये देखो भाई काफी देर से अंडों पे बैठा हुआ है, मतलब सुबह से ही है। ये देखो ये आ जाएगा बाहर, और भाई बड़ा प्यारा कबूतर है यार ये अपना, ये देखो ये आ गया बाहर। ये देखो भाई इसका यहाँ पर मैं आराम से गेट लगा देता हूँ। क्या हो गया, कैसा कैसा? हाँ पकड़ा है, किसका है? तेरा है क्या? हाँ। अबे यार हाँ भी पकड़ा है। अबे वो क्या क्या हुआ, मैंने अपने कबूतर उड़ा दिए थे। अब मैंने कबूतर उड़ाया, वो उनके साथ लगकर आ गया। हाँ अबे यार मैं गोल के चला गया, तो मैं जाके सो गया, मैं जान भी नहीं गया, बाकी देखा तो गायब यार। चल चल कोई बात नहीं, तो रुक जा मैं करता हूँ अभी, उड़ा रहा हूँ फिर है, अगर तेरा तो कोई ऐसी बात नहीं है। उड़ा दे उड़ा दे कोई बात, ठीक है भाई। तो दोस्तों जिसका डर था वही हो गया, ये देखो भाई कॉल आ गई। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, किसी और की चीज है, देनी तो पड़ेगी। बाकी जो है ना अभी इसको उड़ा देते हैं, ठीक है ना। और बड़ा ही प्यारा कबूतर था यार ये, और ये जो ना भाई हमारा दोस्ती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वापसी कर देते हैं। तो दोस्तों ये देखो अमान ने ले लिया कबूतर हाथ में, ये देखो भाई अमान उड़ा रहा है। अमान ने कॉल पे बात कर रही है कि मैं उड़ा देता हूँ, कभी भाई ये इधर उधर निकल जाए फिर क्या है कि भाई उड़ाया ही नहीं। ये देखो अमान ने ले लिया हाथ में और ये छोड़ दिया, ये देखो ये गया। भाई 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 चले जा चले जा चले जा, नहीं नहीं ये गया भाई साहब, इसका दिल नहीं था मेरे को लग रहा है यहाँ से जाने का। बाकी देखो चला गया सीधा, हो रहा ये उड़ा दिया कबूतर, देखो सामने का ये, देखो वो रहे सामने कबूतर, वो रहे उस साइड पे देखो वहीं का ये कबूतर। तो देखो जाकर कहाँ बैठा हुआ है, अड्डे पे, क्योंकि जो ना ये वहाँ का हिला हुआ है इस वजह से। बाकी ये सिराजी कबूतर तो होते ही है भाई, किसी की छत पे भी चले जाते हैं, क्योंकि जो ना भाई इन कबूतरों के अंदर ज्यादा समझ नहीं होती, ये बहुत भोले कबूतर होते हैं और स्वीट कबूतर होते हैं। और बाकी देखो यहाँ पर अमान ने सारे कबूतरों को दाना वाना कर रहा है, नीचे करवा रहा है। ये देखो भाई सारे खुले हैं अपने एरे। दोस्तों ये देखो अभी एक कबूतर और आया, पता नहीं किसका, देखो ये उड़ रहा है एरा, और बड़ा ही प्यारा है भाई ये भी बच्चा, देखो एरा। और बाकी अपने कबूतर यहाँ पर सारे मस्तियां कर रहे हैं, देखो एरा भाई छत छत पे घूम रहा है, बस उतरने वाला, देखो एरा। और छोटा सा बच्चा लग रहा है मेरे को ये, ये देखो भाई ये रहा, ये गए साइड से भाई। अपने कबूतर जो ना दाना चुगे रहते, अचानक से अमान ने जैसे ऊपर करे फौरन देखो एरा छत छत पे उड़ रहा है एरा, ये गए देखो अभी आ गया साइड से, देखो एरा भाई बड़ा प्यारा कबूतर है, मतलब छोटा बच्चा लग रहा है बाकी मेरे को। ये देखो ये रहा छत छत पे घूम रहा, बार बार मुझे कैमरा घुमाने के लिए भाई ये परेशान कर रहा है। ये आ गया देखो सामने से, और बड़ा प्यारा है, आके 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 बैठ गया बैठ गया बैठ गया बैठ गया बैठ गया बैठ गया बैठ गया, आ जा भाई आ जा, ये देखो ये आ गया साइड से, ये रहा आ जा आ जा भाई आ जा, इतना क्यों तंग कर रहा है, बैठ जा। ए ए नहीं 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 नहीं, ये रहा देखो ये रहा, ये आ गया सामने से, देखो ये आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा भाई आ जा, ये गया देखो इस साइड से दोबारा, ए निकल लिया। तो अभी जो ना सीधा ही सीधा चला गया वो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, उतरने ही वाला था बस, जैसे कि आपने देखा तो बस बैठने ही वाला था लेकिन चला गया। तो बाकी देखो यहाँ पर सारे कबूतरों को दाना डाल देते हैं, और नीचे जाकर देखते हैं भाई उन अंडों में से बच्चे निकले नहीं निकले। सुबह जैसे कि आप लोगों ने देखा था वो अंडे जो ना भाई फोड़ रहे थे अपने, तो अब नीचे चलते हैं और चेक करते हैं जाके। तो दोस्तों नीचे जाने से पहले भाई लोग इसे देखो भाई, अमान के हाथ में दाने का जो ना डब्बा था, और डब्बे के अंदर चढ़ के अंदर घुस के देखो दाना चुग रहा है ये भाई, कितना ही प्यारा कबूतर है यार ये जो ना डरता नहीं है अमान हमसे कबूतर, और बड़ा प्यारा कबूतर है यार ये। अन जल्दी सारे कबूतरों को बंद कर दे, चुगा के रात हो रही है भाई, जल्दी फटाफट से अब मैं नीचे जा रहा हूँ सारे कबूतरों को खोलने, ठीक है ना। तो दोस्तों ये आ गया हूँ मैं यहाँ पे, पहले थोड़ी देर के लिए जो ना मैं साइड हट जाता हूँ, उसके बाद भाई इनके अंडे चेक करूंगा कि उनमें से बच्चे निकले नहीं निकले। पहले मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ और इनको जो ना यहाँ पर दाना वाना रख देता हूँ, उसके बाद जो है ना मैं जाऊंगा अंदर और उन अंडों को चेक करूंगा जिनमें भाई बच्चे निकलने वाले थे, ठीक है ना। तो दोस्तों ये देखो सारे कबूतर ये वैसे तो अपने बाहर आए गए, तो बाकी जो है यहाँ पर भाई मैं दाना डाल देता हूँ। ये देखो भाई आ गए सारे, लो भाई लो खाओ, ये देखो भाई ये डाल दिया मैंने इन्हें दाना, और देखो सारे आ गए चुगने के लिए माशाल्लाह से। और अब सारे के सारे बाहर निकले हैं, और अब मैं जो ना अंदर चलता हूँ, उनके जो ना अंडे चेक करते हैं भाई। तो दोस्तों हर बार की तरह इन दोनों को भी जो ना बाहर निकाल लेते हैं, ये देखो ये चले गए बाहर, ये गए दोनों के दोनों। और यहाँ का जो ना मैं गेट बंद कर लेता हूँ, और देखते हैं भाई अब क्या है यहाँ पर सीन। अरे यार मेरे को लग रहा अभी तक जो ना बच्चे नहीं निकले यहाँ पर, ये देखो अंडे रखे हुए दोनों के दोनों ऐसे कैसी, और सुबह भी देखो यही हालात थे और अब भी यही हालात है। ये देखो भाई लेकिन भाई चोच मार रहा है भाई अंडे में, अलग ही पता लग रहा है मेरे को। अभी मैंने हाथ में ले रखा है ना अंडा, टक टक की आवाज आ रही है मेरे को। और दूसरा वाला चेक करता हूँ, दूसरे वाले अंडे में तो भाई मेरे को भी कुछ हिलने हिलाने की तो आवाज आई नहीं रही है, इस वाले अंडे में से जो ना ज्यादा हिलने की आवाज आ रही है मुझे, जैसे कि जो ना ये अंडे को फोड़ रहा हूँ। मेरे को लग रहा है बड़ा बच्चा यही है भाई जो हमारा निकलेगा। बाकी यार सुबह से अभी तक ऐसा भाई, ये बस मर ना जाए इसके अंदर, मेरे को ये डर लग रहा है, क्योंकि जो ना हमारे ज्यादातर बच्चे जो ना ऐसे ही मर जाते हैं, पूरे बड़े हो जाएंगे अंडे के अंदर, बिल्कुल लास्ट होता है उनका निकलने के लिए, तो उसके बाद जो ना अंडे में मर जाते हैं, बाहर ही नहीं निकल पाते, पता नहीं क्या रीजन है। बाकी देखो ये रखे हुए अंडे, देखते हैं भाई सुबह तक और वेट कर लेते हैं, बाकी अगर सुबह तक नहीं निकले तो हमें भाई फिर खुद निकालना पड़ेगा जबरदस्ती। बाकी देखो ये दोनों के दोनों अंडे रखे हुए, और नीचे
वाले अंडे तो जैसे कि आपको पता है सारे अंडे जो है ना बिल्कुल भी अभी कुछ दिन हुए उन्हें रखे हुए मतलब। और दोस्तों जो हमारी तीसरी जोड़ है ना बाकी तो देखो उसके यहाँ पर रखे हुए हैं, जैसे कि आपको पता है मैंने सुबह दिखाया था इसके अंडों में कोई हलचल भाई मेरे को तो दिखाई दी नहीं थी। सबसे ज्यादा हलचल इसके अंडों में दिखाई दे रही है क्योंकि जो है ना इन्होंने पहले रखे हैं। बाकी चलते हैं बाहर, ये देखो सारे कबूतर अपने चुग रहे हैं ये मस्त। ये देखो भाई सारे कबूतर कितने प्यारे लग रहे हैं यार। तो दोस्तों अंधेरा भी होता जा रहा है, आज के व्लॉग को जो है यहीं पर एंड करते हैं। और दोस्तों एक भाई की जो है मेरे पे कमेंट आ रही थी कि भाई आप जो है ना अपने कबूतरों को इतनी देर मतलब इतना कम क्यों उड़ाते हो, मतलब उड़ाते हो और साइड हट जाते हो, ज्यादा क्यों नहीं उड़ाते। तो भाई इसमें जो है ना हमारे बहुत सारे कबूतर ऐसे हैं जो कि नए, अगर ज्यादा तंग करेंगे तो भाग भी सकते हैं। तो इसलिए जो है ना कबूतरों को ज्यादा परेशान करना नहीं चाहिए, वैसे भी अगर हम ज्यादा परेशान करेंगे ना तो दूसरे की छत पर दाना खाएंगे फिर हमारी छत से चले जाएंगे। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।